इस फेशियल की तरह, ठीक है, जिसमें आप ने कहा कि पहले क्लेंजिंग करेंगे, वो किस चीज से आपने की है क्लेंजिंग? क्लेंजिंग हम करते हैं, ये वाइटनिंग क्लेंजर है जो कि बिल्कुल ऑयल का बना हुआ है, ऑयल क्लेंजर है ये। और हम जितनी भी, क्योंकि स्किन डिहाइड्रेट हुई हुई है, स्किन को बेसिकली हमने हाइड्रेट करना है। और इसको तुम अगर सूंघो और इसका टेक्सचर देखो, अच्छी खुशबू, और मतलब जब आप फेशियल के लिए लेटे हुए होते हैं तो आपके नाक में जा रही होती है, उससे भी आपका माइंड रिलैक्स हो रहा होता है। और ये मतलब कि कुछ ये लेवेंडर है, कुछ वैसलीन सॉर्ट का ऑयली टेक्सचर है इसका, ताकि स्किन को अंदर से इंप्योरिटीज निकाले, उसको अच्छी तरह से क्लीन करे। और फिर उसके बाद हम ये वाइटनिंग क्लेंजर करते हैं ऊपर, ताकि जितनी भी टू टोन स्किन है वो हम अच्छी तरह से उसको क्लियर कर लें। ये क्या पानी की तरह, ये इसकी जो चिकनाहट है वो ये फोम खत्म करेगी। अच्छा, ये फोम कैसे? ओके, ये वो फेस वॉश सॉर्ट फेस वॉश की तरह का है। ये फेस वॉश जो है इसको फोम से सारी चिकनाहट जो है इसकी वो हमने खत्म कर ली, ठीक हो गया। अब असल प्रोसेस शुरू होगा क्लेंजिंग होने के बाद। क्लेंजिंग होने का पहले हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं, स्किन प्रिपेयर हो जाए। पर वन जो है वो पीलिंग है, जो हम मुंह पे लगा के इसको अच्छी तरह से लाइट ब्रश के साथ, ब्रश मूवमेंट्स के साथ इसको हम इमल्सिफाई करते रहेंगे पूरे मुंह के ऊपर। अच्छा, ये अंदर तक पेनेट्रेट होगा। पहले हमने ये लगाना स्टेप, ये पील है, ये सबसे बड़ा मतलब जादू यही है इसमें। अच्छा, ठीक है, ये पील सबसे पहले हम लगाएंगे। सबसे पहले हम पील लगाएंगे, क्या होता है अभी खोल के बताते हैं। ये ऑरेंज कलर की जेल होगी, अच्छा जेल होती है वैसे। ये चीजें भी सब नोट करें अगर आपने करवानी है, क्योंकि क्या क्या है, क्या क्या लग रहा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वाला फेशियल लेने में, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है लगाने का? बस इसका प्रोसीजर ये है कि ये हम इसको पहले ये इसका ये कलर है दिखाएं प्लीज जरा, ये ऑरेंज कलर है जी, ठीक है। इसके बाद इसको बंद करें, हाँ। इसके बाद इसको हम पूरे मुंह पे लगाएंगे, जहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि इनकी स्किन जो है वो टू टोन हुई हुई है। अच्छा, हर जगह नहीं लगाना हम? नहीं, हर जगह लगाएंगे, पहले कॉन्सेंट्रेट हम उन जगहों पे करेंगे जहाँ पे मसाज करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने किसी भी फेशियल में गर्दन नहीं भूलनी। हाँ, गर्दन में सबसे पहले एजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ये लगा के अब हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्सफोलिएशन को लगा के हम छोड़ देते हैं। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लाइट मूवमेंट्स के साथ मसाज करते रहेंगे। बट मसाज नहीं करनी, राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स करते रहेंगे, ताकि ये हल्के हल्के हाथों से जोर ना लगे। अच्छा, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर पेनेट्रेट हो जाए। ये तकरीबन हम 5-10 मिनट्स तक करते रहेंगे, ठीक है। आएंगे, पहले हम ये देखें कि मास्क कैसे आलिया बना रही है जी। ये दो मास्क हैं, अच्छा, इनको हमने कंबाइन करके इनको मिक्स करना है। एक साथ आते हैं? एक साथ आते हैं। अच्छा, एक ये फिरोजी कलर का और एक व्हाइट कलर का, ये दोनों मिक्स करेंगे। ये फिरोजी और व्हाइट, जरा मुझे दिखा सकते हैं? ये दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, ये फिरोजी और व्हाइट कलर्स हैं इस पैकेट के अंदर। इन दोनों को क्या रेशियो होगा मिक्स करने करेंगे का? जितना जितना पैकेट में होगा उतना उतना मिक्स करेंगे? नहीं, फिरोजी वाला जो है वो लाइट लगता है, वो थोड़ा सा लगता है, और व्हाइट वाला जो है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि व्हाइटनिंग डिपेंडिंग आपकी स्किन की कंडीशन क्या है उसके मुताबिक हम मिक्स करते हैं इसको। मतलब व्हाइट वाले से व्हाइटनिंग ज्यादा, व्हाइटनिंग से ज्यादा होती है। फिरोजी जो है वो टू टोन को कम करता है। अच्छा, तो आप ज्यादा व्हाइट क्या मिलाएंगी? व्हाइट लगा लो। हमने फिरोजी जो है वो जरा ज्यादा डाला है, व्हाइट हमने कम डाला, क्योंकि इनका ये वाला हिस्सा जो है जरा डार्क है। अच्छा, इसके ऊपर वो फिरोजी जो है वो ज्यादा असर करेगा। अच्छा, और व्हाइटनिंग जो है वो मॉइस्चराइजिंग मास्क है, वो अच्छा आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है। तो ये हम पूरे मुंह पे इनके ये लगा देंगे, बट लगाना मिक्स करके ही है। अच्छा, मिक्स पूरा एक साथ जान करके वो हम लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, और लगा के हमें कितनी देर तक छोड़ना है? मास्क नॉर्मली जो 10-15 मिनट तक का लगता है वो हम लगा देंगे, और हाँ, बस फिर उसको जो डार्क पैचेस है पहले वहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, तो इस तरह की अलग अलग किट्स आती हैं जो आप लोगों पर यूज करती हैं जब ये आप किट एक ही आती है, किट एक ही आती है, बट उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमें देखनी होती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर लगाना है। अच्छा, और कौन सा कितनी देर हमने उसको मसाज करना है। हाँ, और मास्क की जो रेशो है वो क्या मिक्स करनी है। अच्छा, उसके साथ फिर रिजल्ट आता है। किट तो एक बेसिक किट आती है जो ये अभी डब्बे में जो आपने अभी बिल्कुल।